कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार, मैं भूपेश आनंद आप सबको नमस्कार करता हूँ। ग्रेट मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सभी को। भगवान करे कि आप लाइफ में सक्सेस अचीव करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। आज की क्लास में बेटे आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। बेटे सीएस प्रोफेशनल के लिए मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं पिछले 5 अटेम्प्ट्स देखूं तो बेटे 3 अटेम्प्ट्स में ये टॉपिक जरूर आ गया है। तो लिखेंगे लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। जनरली ये टॉपिक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के चैप्टर को करने के बाद ही करें। और मैं तो ये भी कहूंगा कि कैपिटल बजटिंग का टॉपिक भी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को करने के बाद ही करें। इसका मतलब पहली प्रेफरेंस आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देनी है, दूसरी प्रेफरेंस आपको कैपिटल बजटिंग डिसीजन में देनी है, और बेटे तीसरी प्रेफरेंस आपको लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन में देनी है। इस तरह से करेंगे तो आपको बेटे ज्यादा समझ आएगा। तो इस बात का दावा है कि अगर आपने तीनों टॉपिक्स ईमानदारी से कर लिए तो आपके 80 प्लस आएंगे आएंगे आएंगे। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बेटे आपका बिलीफ सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। मैं चाहे जितना मर्जी आपको मोटिवेट कर दूं, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, नहीं कर सकते। बेटे लाइफ में कभी भी बड़ी या छोटी चीजें जो मिली है इंसान की खुद के बिलीफ की वजह से मिली है। वो चाहता था कि मिल जाए इसलिए मिल गई। तो मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे से बहुत दूर हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक भावना है जो आप तक पहुंचेगी कि बेटे इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। आप उस तूफान से लड़ सकते हैं बेटे। कश्ती, नाव, जहाज, जहाजों को जो झुका दे, जहाज टाइटैनिक शिप थी, लाइफ ऑफ द पाई शिप थी, जहाजों को जो झुका दे उसे तूफान कहते हैं। बेटे जहाजों को जो झुका दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। बेटे उसे इंसान कहते हैं, और आप वही हैं। बेटे इतना ज्यादा आपने एग्जीक्यूटिव तक तो क्लियर कर ही लिया, अब तो थोड़ी सी तो देर रह गई बेटे, थोड़ी सी तो हिम्मत की बात है ना बेटे, बस उस हिम्मत को कीजिए और कंप्लीट है बेटे। बेटे जब मैं सीए कर रहा था, या जब मैंने सीएस की, या जब मैंने सीएमए किया, तो ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं भी बहुत बार फेल हुआ बेटे, लेकिन एक बात थी मेरे मन में, मैं इंटेलिजेंट ना था, ना हूं, ना होना भी चाहता हूं। बेटे मैं एक ही व्यक्ति था, एक चीज था, मैं मेहनती था, मेहनती हूं और मेहनती ही रहूंगा। बेटे सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए, आईएफआरएस, लंदन, अमेरिका में गया था, फाइनेंस के कोई भी कोर्स कर लीजिए, इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, एक ही चीज की जरूरत है, और वो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। प्लस कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अगर आप अपने माता पिता का आशीर्वाद भी ले लें तो मैं समझता हूं भगवान भी आपको वो चीज मना नहीं कर सकता, उसको भी देनी होगी। ऐसा स्थान दिया गया है बेटे माता और पिता का, मातृ देव भव, पितृ देव भव। तो बेटे आप सबको,
अपने परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करना चाहिए, लाइफ में तभी सक्सेस मिलती है, पोलाइट रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो बेटे सब काम होने शुरू हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ेंगे तो पास होंगे, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन बेटे एवरेज पढ़ने के बाद भी पास हो जाएंगे। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। बेटे टॉपिक का नाम है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। मैं इस टॉपिक को 5 में से 4 स्टार्स तो जरूर ही दूंगा, 5 में से 4 स्टार्स तो जरूर दूंगा। दूसरी बात, 100 नंबर में से मैं 10 से 12 मार्क्स का जरूर एक्सपेक्ट करता हूं, थ्योरी और प्रैक्टिकल बेटे आ ही जाता है। और लेक्चर्स को देखें तो हमारे 3 से या मैं समझता हूं 4 से 5 लेक्चर्स लग सकते हैं बेटे, 6-7 घंटे का काम है। और मैं इसमें सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, कंसेप्ट्स कवर करूंगा। बेटे मैंने 18 कंसेप्ट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर को लेकर, बेटे 18 कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर को लेकर, और मैं इसमें 7 कंसेप्ट बेस्ड और 6 EPQs, बेटे टोटल 13 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने इस चैप्टर को लेकर। थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं दिए इसमें, लेकिन मैं कंसेप्ट्स लिखवाऊंगा, बताऊंगा, 18 कंसेप्ट्स हम हंसते हंसते कर डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये CS प्रोफेशनल के लिए लीज वर्सेस बाय का चैप्टर खत्म भी हो गया। तो आइए आइए मेरे बेटे, हिम्मत कीजिए, डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, बस ये विश्वास इंपॉर्टेंट है बेटे। मुझे इतना बता दीजिए कि आप सभी ने सुना होगा किंगफिशर एयरलाइंस की बातें सुनी होंगी, आप सबने देखा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का कई बार दिवालिया निकल जाता है। तो बेटे आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन करने वाले हैं, मैं इस डिसीजन को कहूंगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है बेटे, दिस डिसीजन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी 5 सेंसेस की मदद से आपको अपने विचार पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और उसके पीछे सेवा भाव होगा, और मेरी अंदर इंटेंशन होगी कि आप पास हो जाएं और लाइफ में सक्सेसफुल बने। इन भावनाओं के साथ मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें घर लेना पड़ता है, घर, हाउस, ये तेरा घर, ये मेरा घर, हम सब घर में रहते हैं बेटे, हम सब घर 2 प्रकार से ले सकते हैं, एक तो बेटे किराए का घर, एक मूवी आई थी ये तेरा घर ये मेरा घर, बेटे महिमा चौधरी थी उसमें और सुनील शेट्टी था, महिमा चौधरी किराए के मकान में रहती थी, घर नहीं छोड़ा उसने। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि बेटे घर या तो हम किराए के मकान में रह सकते हैं बेटे, और या अपना खरीद सकते हैं। आप बताइए, मकान में हम सब रहते हैं, या तो उस घर को हम खुद अपना खरीद सकते हैं, और या हम उसको किराए में भी ले सकते हैं बेटे। किराए में लेने का मतलब है लीज में लेना, और बेटे अपना लेने का मतलब है ओन करना, बाय करना। तो बेटे आज जो चैप्टर शुरू कर रहा हूं उसका यही तो नाम है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। तो मैं आपको ये चैप्टर किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी के लिए कराऊंगा, मैं आपको ये चैप्टर किसी भी कॉरपोरेट एंटिटी के लिए कराऊंगा जिसके आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। मान के चलते हैं कि आप अपोलो टायर्स,
आप अपोलो टायर्स के कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, और अपोलो टायर्स को एक मशीन परचेज करनी है जर्मनी से, और अपोलो टायर्स को एक मशीन परचेज करनी है जर्मनी से, क्योंकि अपोलो टायर्स को बनाने क्या हैं, ट्यूबलेस टायर्स, ट्यूबलेस टायर्स। तो बेटे 25 लाख, तो मैं बहुत छोटा सा अमाउंट है, मान के चलता हूं कि 50 लाख रुपीज की मशीनरी आएगी। आपको पता ही है आजकल गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर्स लगते हैं, पहले विद ट्यूब के होते थे, बेटे पंचर हो जाता था गाड़ी वहीं बैठ जाती थी। अब ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, ट्यूब नहीं होती, गाड़ी चलती रहती है पंचर के बाद भी, धोखा नहीं देती। अब अपोलो टायर्स को लग रहा है कि उनको ट्यूबलेस टायर्स खरीदने चाहिए, क्योंकि जमाना बदल गया बेटे। 50 लाख रुपए की मशीन आएगी, और बेटे अपोलो टायर्स के पास लिमिटेड फंड्स हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनके पास फंड्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड मतलब कम है। अब इनको चॉइस ये लेनी है कि वो जो मशीनरी है या तो किराए में ले ले बेटे, या तो लीज में ले ले, किराए में ले ले, किराए में ले ले, और या उसको पैसे नहीं है तो लोन लेकर उसको खरीद ले। बेटे दो ही चीजें हो सकती है, आराम से देख लीजिए बेटे। इस चैप्टर का जन्म तो यहीं से हो गया, इस चैप्टर का जन्म तो यहीं से हो गया। इस चैप्टर का नाम है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन, लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। बेटे कोई भी चीज हम किराए में लें या हम उसको खरीद लें उधार लेकर, क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटे इस डिसीजन को बोलते हैं लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन। तो बेटे ईमानदारी से आपको मैंने बताने की कोशिश की, जैसे मैं कहता हूं किंगफिशर एयरलाइंस है, आप सबने नाम सुना हुआ है, ये जितनी भी हवाई जहाज की कंपनियां हैं, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, इंडियन एयरवेज, इंडिगो, ये जो भी कंपनियां हैं, मैं कहता हूं ये जो हवाई जहाज लेती हैं, ये किराए में लेती है। क्यों? क्योंकि एक एरोप्लेन बेटे 50 करोड़ रुपए का आता, मान के चले एक एरोप्लेन 50 करोड़ रुपए का आता है, तो बेटे एक एरोप्लेन 50 करोड़ रुपीज का है। अब इनके पास है ही नहीं 50 करोड़, इनको 10 एरोप्लेन चाहिए, तो 500 करोड़ तो यही चाहिए। तो या तो इनकी ऑप्शन होगी कि किराए में ले लेंगे, लीज में ले लेंगे किसी से भी, ब्रिटिश एयरवेज से या जो भी कंपनी बनाती होगी हवाई जहाज, और लोन ले लेंगे, और लोन के बाद फिर खरीद लेंगे। बेटे दो ही ऑप्शन हो सकती है। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि हवाई जहाज को किसी भी तरह से ले, बेटे हवाई जहाज तो वैसे ही चलेगा ना, उसको क्या पता कि उसको किराए में लिया गया है या उसको खरीदा गया है। ऐसा तो नहीं कि अगर वो किराए में लिया गया है तो नखरे करके चलेगा, और अगर खरीदा गया है तो अच्छी तरह से चलेगा। नहीं बेटे नहीं, उसका चलना तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन बेटे एक बात मैं बता दूं आपको, एक बात मैं बता दूं कि इनफ्लोस, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कैपिटल बजटिंग में, कि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन कोई भी लेंगे, कोई भी डिसीजन जब हम लेते हैं कैपिटल बजटिंग की, एनी कैपिटल बजटिंग डिसीजन, किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने से पहले, किसी भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेने से पहले हम बेटे उसमें 3 स्टेप्स को करते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है बेटे। पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। हम सबसे पहले आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं बेटे, हम सबसे पहले आउटफ्लो निकालते हैं। और बेटे दूसरा स्टेप होता है किसी भी कैपिटल बजटिंग में कैपिटल
कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। और बेटे तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे यही तो स्टेप है। और एनपीवी अगर पॉजिटिव आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एनपीवी अगर नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर देते हैं। बेटे ये बात तो की थी हमने कैपिटल वेटेड डिसीजन में। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि लीज वर्सेस बाइंग में हमने इनफ्लो को नहीं देखना, ये बात अभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, इनफ्लो को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि इनफ्लो तो चाहे हम किराए में लें उस एसेट को या खरीदें, बेटे इनफ्लो तो सेम ही रहेगा। तो हमें एक ही स्टेप फॉलो करना है लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन में, और उस स्टेप का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटे आउटफ्लो ही निकालेंगे बस, बेटे कैश आउटफ्लो ही निकालेंगे बस, खाली कैश आउटफ्लो ही निकालेंगे बस। तो आइए, मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई एसेट खरीदना है अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो ऑप्शन वन क्या होगी, टू एक्वायर द एसेट ऑन लीज बेसिस, और दूसरी ऑप्शन क्या होगी, टू एक्वायर द एसेट ऑन ओनरशिप बेसिस बाय बोरोइंग लोन, लोन लेकर बोरो करके हम उस एसेट को ले रहे हैं। एक बच्चा कहने लगा, मास्टर ये तो बता लीज होती क्या है, बक बक करता जा रहा है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। बेटे बताऊंगा ना, आइए हम एक 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 जल्दी से छोटी सी स्लाइड लिख ले और फिर मैं बताना शुरू करूंगा। बेटे लो, बेटे लो, मेरे बेटे लो, बेटे बेटे कंसेप्ट नंबर वन लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन में मैं आज एक वीडियो भी दिखाऊंगा। हाँ बेटे, तो बेटे आइए, मैं चाहता हूं कि आप पहले कंसेप्ट नंबर वन लिख लें जिससे कि हम आगे चल पाए। बेटे तो लिखिए जी, कंसेप्ट नंबर वन इंट्रोडक्शन, व्हाई लीजिंग। फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। बेटे आज तो नहीं, अगली क्लास में मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखिए, कंसेप्ट वन, बेटे बड़ा कर देता हूं, इंट्रोडक्शन व्हाई लीजिंग, कंसेप्ट नंबर वन इंट्रोडक्शन व्हाई लीजिंग लिखिए बेटे एक बार।
लीजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूजिंग एसेट ऑन रेंट, अंडरलाइन कर दीजिए रेंट, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अंडरलाइन कर दीजिए बेटे बिजनेस एक्टिविटी, मैं जो भी कुछ करा रहा हूं बिजनेस एक्टिविटी के लिए करा रहा हूं। तो लिख लीजिए कंसेप्ट वन का ए पॉइंट का रोमन ए को रोमन टू, बेटे पहला कंसेप्ट नंबर वन, कंसेप्ट नंबर वन इंट्रोडक्शन लिख लिया बेटे, रोमन वन रोमन टू लिख लिया बेटे, अब लिखिए बेटे लीज एग्रीमेंट, मैं सब समझाऊंगा पहले आप लिख लीजिए बेटे। बेटे पानी पी रहा हूं, ये देख लिया चाय नहीं पी रहा बेटे, पानी है, ठीक है बेटे। बेटे चित्र जरूर बनाइएगा, आराम से लिखिएगा, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे। और आपको मालूम ही है कि मैं पहली क्लास में कोई प्रैक्टिकल कराता ही नहीं, या एक आध प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो जल्दी किस बात की, जब प्यार किया तो डरना क्या, होले 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हद से गुजर जाना है मेरे बेटे। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। लीज का मतलब बता रहा हूं, लीज एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, द वन हु इज द ओनर ऑफ द एसेट, दैट इज लेजर, एंड द अदर हु इज द यूजर ऑफ द एसेट, दैट इज लेजी। और बेटे ये चैप्टर हम अभी तो लेजी के लिए करेंगे, क्योंकि आप यूजर हैं, आप अपोलो टायर के कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप किंगफिशर एयरलाइन के कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, लेजर एंड लेजी, लेजर हु गिव्स एसेट ऑन लीज एंड लेजी हु टेक्स एसेट ऑन लीज, आराम से लिखिएगा, मेहरबान करता, लीज वर्सेस बाय, लीज वर्सेस बाय। आइए, मैं वैसे ही कुछ समझाया नहीं बेटे मैंने अभी, बस सी पॉइंट लिख दीजिए फिर हम देखेंगे। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एनी लीज एग्रीमेंट, बेटे लीज एग्रीमेंट के बीच में फीचर्स क्या होते हैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया, आप लिखिएगा ना, आप प्लीज लिखती, आप फीचर्स लिखती फिर मैं समझाती, समझ में आती लिखती।